हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? कुछ स्टडीज़ वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की? लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे उन्हें करके देखा आप लोगों ने? तो साथ साथ करते रहिए आप। तो पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने आपको, उसी टॉपिक को हमने आगे कंटिन्यू करना है। कुछ और न्यूमेरिकल्स उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको आई थिंक सो 6 न्यूमेरिकल्स कराए थे, अब हम 7th न्यूमेरिकल से आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम टॉपिक है हमारा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारा 7th न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लेबल्ड एज, आपको बोल रहे हैं 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वट शुड बी द मोलैलिटी, वट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वट शुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन। आगे आपको बोल रहा है इफ द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल, देन व्हाट शैल बी, व्हाट शैल बी द मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है और वहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वहाँ पे लेवल जो मेंशन किया हुआ है वो 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि वे मोलैलिटी सॉल्यूशन की क्या होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, और साथ में आपको डेंसिटी दे करके मोलैरिटी की वैल्यू भी बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इतनी बात करता हूँ कि भाई 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ? तो इसका क्या मतलब हो गया भाई 10%, ठीक है जी, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ठीक है जी। ग्लूकोस मीन्स ग्लू कोस, सॉल्यूशन मीन्स, सॉल्यूशन मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन, क्या बोल सकते हैं भैया हम इसको, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हुआ इतनी सी बात का। 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे कि भाई 10 ग्राम हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज है, किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो आप देखिए अगर हमारे को मोलैलिटी निकालनी है, मान लीजिए हमारे को फर्स्ट में बात कर रहा हूँ आपसे भाई मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है हमारा, स्मॉल है। मोलैलिटी निकालनी है हमारे को तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब डब्ल्यू टू क्या है यहाँ पर, सिंबल में आपको पता ही है कि मास ऑफ सॉल्यूट है, एम टू क्या है उसी सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास है,
और यहाँ पे जो W1 है वो क्या हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब आप देख लीजिए, अगर हम वैल्यूज को उठा करके रखते हैं तो हमारा M इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, W2 की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉल्यूट कितना है बोलेंगे तो हम भाई 10% मतलब 10 ग्राम, तो ये हो गया 10 इंटू में 1000 अपॉन M2। अब M2 लेना है हमारे को ग्लूकोज का, M2 मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आप सभी को भाई, C6H12O6 होता है, कितना होता है C6H12O6 होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हो आप भाई, 12 इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन का टोटल 12 हो जाएगा प्लस 16 इंटू में 6, ये वैल्यू हो जाएगी 180 ग्राम पर मोल। तो M2 की जगह क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास जो कि 180 है। अब बात आती है हमारी W1 की, W1 क्या लेके चलेंगे हम, तो W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हमारी स्टेटमेंट में क्या बताया मैंने आपको, 10% का मतलब यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ग्राम है, और सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड करने से तो बनता है, यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हैं, हमें पता है कि हमारा सॉल्यूट कितना है 10 है उसमें, तो 100 में से 10 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, यानी कि हमारा 90, तो 90 ग्राम क्या हो गया हमारा W1 हो गया, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। बाकी इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, कैलकुलेशन करोगे आप फाइनली तो इसका जो आपका जो आंसर निकल करके आएगा मैं आपको बता देता हूं, कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि ठीक है जी, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आएगा, इसको नोट कर लो फटाफट, कम ऑन। तो ये तो मोलैलिटी वाली बात हो गई हमारी, कि मोलैलिटी किस तरीके से निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन के केस में, अगर हमारे को मोलैलिटी फाइंड आउट करनी हो तो मोलैलिटी का निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास में इसी में ही मोल फ्रैक्शन बताना था एक, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन बताना है तो मोल फ्रैक्शन कैसे बता सकते हैं, देख लीजिए। अब आप मोल फ्रैक्शन किसका बताना है हमारे को भैया, मान लो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं या फिर सॉल्वेंट का भी निकालना हो तो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स सिंबल दे दिया मैंने आप, अब मुझे एक्स का निकालना है ग्लूकोज का निकालना है। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होता है किसी भी कंपोनेंट का तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्वेंट क्या है, अगर मेंशन किया हो तो ठीक है, नहीं तो आपका बेसिकली जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो सॉल्वेंट आपका क्या है यहाँ पे वाटर है, तो क्या आपका यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से अगर कहीं पुटअप करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सॉल्वेंट को एज ए वाटर लेके चलेंगे आप। अब एन क्या होता है, एन आपको पता ही है, एन क्या होता है अभी मास अपॉन मोलर मास, ठीक है जी, यानी कि W और ये हो गया M, तो ये हमारा इससे मोल बन जाते हैं। अब हमें मोल बनाने की ज़रूरत है ना हमारे पास, N ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू रखनी है, N ऑफ वाटर की वैल्यू रखनी है, तो N क्या हो जाएगा बोलेंगे तो W अपॉन M, तो 10% मतलब 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का W कितना हो गया हमारा 10 हो गया। जहाँ तक आपसे M की बात करेंगे, M यानी कि मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो आपको पता है अभी ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास हमने निकाला था 180 आ रहा था, सेम एज इट इज एन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर भी है, तो आपका 10 अपॉन में क्या हो गया जी 180 हो गया। एन ऑफ वाटर निकालना है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, अभी मोलैलिटी के फॉर्मूले में देखा आपने सॉल्वेंट कितना हमारा 90 है, तो 90 अपॉन में, और वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है 18 होता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को आप पुटअप कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा अभी इसको सॉल्व कर लेना आप,
मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, आपको आपकी वैल्यू आ रही है 0.01 आ रही है, ठीक है जी। वैल्यू जो आ रही है सॉल्व करके 0.01 आ रही है ग्लूकोज के लिए। ऐसे अगर आपको मान लो वाटर के लिए भी बताना हो कि भाई इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप टोटल मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और वाटर का मोल फ्रैक्शन प्लस करेंगे तो 1 होता है। तो अगर हमारे को वाटर का निकालना हो तो 1 माइनस करके आप इस तरीके से वाटर का भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मोल फ्रैक्शन आपको चाहे सभी कंपोनेंट का बताना हो या पर्टिकुलर जो सॉल्यूट दे रखा हो उसी का बताना हो तो आप किसी का भी बता सकते हो। आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो आप, और बाकी जितने भी टोटल कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी का मोल फ्रैक्शन जो होता है हमारा, वो उनका सम 1 के बराबर होता है। 1 में से माइनस करोगे आप पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो दूसरे वाले का पता चल जाएगा हमारे को। अब हमारे पास जो थर्ड केस था हमारा, उसमें हमारे को मोलैरिटी बतानी थी। क्या बताना था? मोलैरिटी, जिसका सिंबल क्या होता है हमारा, कैपिटल एम। तो मैंने आपको एक परसेंटेज के टर्म में भी एक फॉर्मूला बताया हुआ है मोलैरिटी का। क्या फॉर्मूला बताया हुआ था? परसेंटेज इंटू में टेन इंटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी होती है कहीं पे भी, तो इसके लिए देखो परसेंटेज सॉल्यूट की कितनी दे रखी थी, 10% इंटू में 10। डेंसिटी आपको गिवन थी, मैंने रफ कर दिया है क्वेश्चन, तो आप जरा मैं बताता हूँ डेंसिटी क्या दे रखी थी। 1.2 दे रखी थी आपको डेंसिटी, कितनी दे रखी थी, 1.2। मोलर मास सॉल्यूट का, ग्लूकोज का अभी हमने न्यूमेरिकल में निकाला, अभी इसी में ही कितना है आपका, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है देख लो, NW/m, तो 180 होता है, तो आपने ये 180 रख दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ। आपकी मोलैरिटी जो आनी चाहिए आपकी 0.67 आनी चाहिए, 0.67 मोलर। तो ये हमारी मोलैरिटी की वैल्यू है जो आपकी निकल करके आएगी। तो इसी के साथ ही आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल के अंदर। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप नोट करते जाइए साथ के साथ, और इनको दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मिस्टेक्स होने के चांसेस उतने ही फिर कम होंगे, क्योंकि एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस के साथ ही, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जैसे मेरा हमारा 8th न्यूमेरिकल है, ये आपको बोल रहा है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड गिवन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई, बोलो, HNO3। क्या होता है फॉर्मूला होता है जी, HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बोल रहे हैं यूज्ड इन द लेबोरेटरी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, और कितना यूज कर रहे हैं, इज बोल रहे हैं अभी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, नाइट्रिक एसिड बाय मास, ठीक है जी, नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल, ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड। आगे बोल रहे हैं जी, इफ कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्या वैल्यू दे रहा है आपको, 1.504 ग्राम पर एम एल। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिए आप,
आपको सेम देखिए पिछले वाले पैटर्न पे बेस्ड ही है हमारा न्यूमेरिकल। ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 68% बाय मास गिवन है हमारे पास में नाइट्रिक एसिड, और डेंसिटी दे रखी है हमारे को सॉल्यूशन के लिए वो कितनी दे रखी है 1.504 वैल्यू दे रखी है हमारे पास में डेंसिटी सॉल्यूशन की। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब समझ रहे हो आप भाई, कैपिटल है। और फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं मोलैरिटी के लिए बोलो, अभी परसेंटेज वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, परसेंटेज इंटू में टेन इंटू में व्हाट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो सेम चीज़ें बार बार ही रिपीट होती रहेंगी, मैंने कहा ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप तो कोई आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को करने में आनी ही नहीं है। दिक्कत जब ही आती है जब आपकी प्रैक्टिस में कमी रहती है। आप देख रहे हो मैं आपके लिए क्वेश्चन तक यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको बुक की ही नीड ना हो। आप बस केवल आप चाहो तो इन लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से बार बार ही रिपीट करना है आपने, बार बार ही सुनना है आपने, और अपनी कॉपी को रफ कॉपी को यूज़ करते हुए इन न्यूमेरिकल्स को बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख रहे हो आप कि भाई हमारे पास में मोलैरिटी निकालनी थी हमारे को, कैपिटल एम निकालना था। तो परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको 68%, मतलब 68 हो गया इंटू में 10। डेंसिटी कितनी गिवन है हमारे पास में 1.504 गिवन है। मोलर मास, मोलर मास सॉल्यूट का, और मोलर मास में क्या दिया हुआ है बोलेंगे तो HNO3 दिया हुआ है, देख लो आप HNO3। अब HNO3 का अगर मोलर मास बनाएंगे तो H का 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया इंटू 3, टोटल वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 63 ग्राम पर मोल। तो ये क्या निकाला है मैंने आपके लिए, मोलर मास निकाला हुआ है HNO3 का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 63 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, मैं फिर भी आंसर बता देता हूँ आपको। आपका आंसर कैलकुलेट करके आना चाहिए 16.23 मोलर। ये आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट आना चाहिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको ये रिजल्ट वहाँ पे नज़र आएगा। तो आई थिंक सो न्यूमेरिकल तो समझ में आ ही गया होगा। पिछला न्यूमेरिकल भी हमारा सेम पैटर्न पे बेस्ड था, वहाँ पे भी परसेंटेज की बात हो रखी थी, अभी ग्लूकोज वाला किया था हमने। अब सेम उसी पैटर्न पे हमारा नाइट्रिक एसिड वाला न्यूमेरिकल भी हमारा बेस्ड है। तो अब आगे बात करते हैं, तो इसी के साथ ही हमारे 8 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको अपना 9th न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ जी। नाइन्थ, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, क्वेश्चन है हमारा 9th न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पता है आप सभी को, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है हमारा यूरिया का। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, उस सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए बोलिए 2.5 किलोग्राम, और उस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 0.25 मोलल।
अब ऐसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यानी कि हमें कितना यूरिया यूज करना पड़ेगा वो मास बताना है हमारे को। तो पहले तो इतनी सी बात को पकड़िए कि इतनी सी बात का क्या मतलब होता है, 0.25 मोलल का क्या मतलब है। आप देखिए 0.25 मोलल मींस इसका मतलब हो गया 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजोल्ड इन, क्या बोलेंगे हम भाई, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही तो मतलब हुआ इतनी सी बात का भाई। 0.25 मोलल का क्या मतलब हो गया कि भाई इतने मोल्स हमारे पास यूरिया के हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट है हमारा भाई, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे को मोल्स पता चल गए हैं यूरिया के भाई इतने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम यूरिया का मास बनाएंगे, यूरिया मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया। तो आपको पता है यानी कि मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ मतलब W2 की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा N2 इंटू में M2 भाई। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं W अपॉन M करके, सॉल्यूट सेकंड कंपोनेंट होता है, तो मैंने 2 लगा करके बात को समझा दिया बस केवल। अब देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास में, 0.25 है इंटू M2। अब M2 कैसे निकलेगा बताइए भाई। अगर मैं M2 की बात करता हूँ मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है मेरा यूरिया के लिए। क्या फॉर्मूला होता है भाई हमारा, NH2CO NH2। अब आप देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया प्लस 2, टोटल वैल्यू करेंगे तो 60 आएगी आपकी, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, तो यूरिया के फॉर्मूले के थ्रू हम इसका मॉलिकुलर मास बना लेंगे मतलब M2 बना लेंगे, तो वो कितना हो रहा है हमारा, 60 हो रहा है। तो 0.25 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 15 ग्राम। कितनी वैल्यू आ रही है, 15 ग्राम्स। तो ये तो हो गया भाई यूरिया का मास, यानी अगर हम इतने मोल हमारे पास यूरिया प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमारा जो मास है वो कितना है हमारा, अभी देख रहे हैं 15 ग्राम। अब आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्लियर हो गया हमारा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अगर हम बोले तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा, सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 है, तो यानी कितना हो गया 10 1015 ग्राम्स। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्यूशन किस में प्रिपेयर कर रहे हैं, केजी में, तो यहाँ ये सॉल्यूशन अभी ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.015 केजी हो गया। यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो हमने बना लिया कि वो कितना है हमारा, 1.015 केजी। इतने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना दिखाई दे रहा है बोलो भाई, 15 ग्राम। भाई ये सॉल्यूशन आपका केजी में है तो इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है बोलेंगे, तो भाई सॉल्यूट कितने ग्राम लिया था हमने भाई, 15 ग्राम से हमने ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है, सॉल्यूट को 15 लेके चल रहे थे हम यहाँ पर। अब आप देखिए यानी अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आप बोलेंगे 1.015 किलोग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्स, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो गया, 15 ग्राम। अगर इतने मास का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी वहाँ पे, 15 ग्राम। अगर 1 केजी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, 15 अपॉन में 1.015, ठीक है जी, ग्राम्स इतना चाहिए होगा। अब हमारे को कितने सॉल्यूशन की बात चल रही है हमारे क्वेश्चन के अंदर, 2.5 किलोग्राम की, उसके लिए सॉल्यूट कितना चाहिए, 15 अपॉन में 1.015 × 2.5 ग्राम्स।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपका निकलेगा कितना जब आप कैलकुलेट करोगे तो 37 ग्राम्स आएगी वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी इसकी भाई? 37 ग्राम्स वैल्यू निकल करके आएगी जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो। तो न्यूमेरिकल का पैटर्न मेन समझना जरूरी था कि भी किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपने, और क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है वो एग्जामिनर आपके लिए। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी बात आपको कि भाई 2.5 किलोग्राम का हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था जिसकी कि मोलैलिटी कितनी दे रखी थी, 0.25 मोलल दे रखी थी। उसके अंदर बताना था कि ऐसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूट का कितना मास, यानी कि यूरिया का कितना मास वहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं समझता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ये आप इसको नोट करते जाएंगे साथ के साथ। तो अब आप देखिए, तो ये तो बात हो गई आपकी न्यूमेरिकल, मैंने कौन सा कराया आपको, 9th न्यूमेरिकल कराया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नेक्स्ट है हमारा 10th न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपके अंदर, क्योंकि जब एक एक करके आपको देखो जब फॉर्मूले लगा रहे हो आप, तो धीरे धीरे फॉर्मूले भी आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे कि भाई किस तरीके से हमारे क्या क्या फॉर्मूले हैं किस पर्टिकुलर टर्म के लिए। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि भाई प्रैक्टिस करनी है आपने, बिना प्रैक्टिस के कुछ होना जाना नहीं है। फॉर्मूले का रट्टा मारने से बात नहीं बनती है, जब आप फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करते हो आप, और बार बार जब उन फॉर्मूलों को यूज़ करते हो आप, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करते हो तो फॉर्मूला फिर उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही फिर ध्यान रहता है। मेरा मेन मोटिव यही है यहाँ पर इतने न्यूमेरिकल्स कराने का कि भाई जिससे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएं अच्छी तरीके से। तो ये है मेरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। इसमें कैलकुलेट करना है आपने, क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, एक मोलैरिटी निकालनी है, और एक मोल फ्रैक्शन निकालना है। इससे पहले हमने ग्लूकोज का भी ऐसा ही न्यूमेरिकल किया था सेम पैटर्न पर, ये भी उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एटॉमिक मासेस शायद आपको ना पता हो, तो एटॉमिक मास जो होता है ऑफ के का होता है 39 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब आपका आई की बात करते हैं, आई के लिए एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास, अच्छा एटम है ना, सॉरी पर एटम, एटॉमिक मास की बात करते हैं तो के के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के का होता है हमारा 39 हो गया। अब आई की बात कर रहे हैं किसके लिए हम, एटॉमिक मास ऑफ आई, आई का होता है 127 ग्राम पर एटम। तो आप देखिए यहाँ पर आपके एटॉमिक मासेस आपके पास में गिवन है, के के लिए होता है आपका 39 और आई का होता है हमारा 127, क्योंकि आपको बाद में इनका मोलर मास चाहिए होगा के आई का टोटल। तो इनके एटॉमिक मास आपके पास में है के का है 39 ग्राम पर एटम, और आई के लिए हमारे पास में क्या है 127 ग्राम पर एटम। अब आप देखिए, अब आपके पास में मैं बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मोलैलिटी निकालनी है हमारे को, मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम। फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, डब्ल्यू टू इंटू में 1000 अपॉन एम टू इंटू में डब्ल्यू वन, भाई ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे भी देख लो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, जैसे सेम हमने ग्लूकोज वाले फॉर्मूले में किया था 10% वहाँ पे दिया हुआ था डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना ले लिया था आपने, 100 ग्राम के बराबर ले लिया था, और उसके हिसाब से 10% क्या होता था हमारा सॉल्यूट 10 ग्राम हो गया था। अब यहाँ पे के आई कितना है सॉल्यूशन के अंदर, 20% है यानी 20 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन कितने का है हमारा 100 का है, तो W2 कितना हो गया अगर यहाँ पे बात करें तो हम बोले तो 20 हो जाएगा इनटू में 1000। अगर हम M2 की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं,
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है के आई, के का टोटल करो आप 39 प्लस 127, तो ये हो जाएगा आपका 166 हो जाएगा, इन टू में डब्ल्यू वन, टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 है, उसमें 20 सॉल्यूट है, तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा हमारा, बोलेंगे 80 बच जाएगा हमारा, तो 80 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डब्ल्यू वन यानी कि सॉल्वेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो मैं फाइनल आंसर जो निकल करके आ रहा है आपका 1.5 आ रहा है यहाँ पे, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 मोलल आ जाएगा, हमारी फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो देखिए अब आप, अब बी पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी जिसका सिंबल क्या होता है हमारा कैपिटल एम, और मोलैरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज की टर्म में क्या होता है, परसेंटेज इनटू टेन इनटू में डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में के आई के केस में कितनी परसेंटेज गिवन है हमारे पास में, 20%, 20% के आई है हमारे पास में, तो 20 इंटू में 10, और डेंसिटी कितनी दे रखी थी आपको, डेंसिटी दे रखी थी 1.202, मोलिकुलर मास के आई का कितना था आपका 166। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए आप। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1.44 आ रहा है, यानी कि मोलर। तो इसी के साथ ही हमारी मोलैरिटी भी निकल गई। अब इसका सी पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे को मोल फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो आप इसको एक्स सिंबल दे रहे हो, आप एक्स ऑफ के आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ के आई अपॉन में एन ऑफ के आई प्लस एन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटर की बात करनी है हमारे को, तो एन क्या होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन एम, तो डब्ल्यू कितना है 20%, मतलब 20 ग्राम है के आई हमारे पास में, मोलिकुलर मास आपको पता ही है 166 हो रहा था, अपॉन सेम यही एन ऑफ के आई रखना है हमारे को, एन ऑफ वाटर 80 अपॉन में 18। तो आपकी कैलकुलेशन अब आप कर ही लेंगे, आप मोल फ्रैक्शन निकालना था के आई का, वैल्यू आ रही है 0.0263, कोई यूनिट नहीं होती आपको पता ही है मोल फ्रैक्शन की। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप के आई का। अगर मोल फ्रैक्शन के साथ आपको बोलता कि भाई, मतलब के आई के मोल फ्रैक्शन के साथ साथ अगर आपसे वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बोलता, तो आपको पता है कि एक्स ऑफ के आई और प्लस एक्स ऑफ वाटर अगर हम लेके चलेंगे तो डेट इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इसलिए अगर आपके पास में के आई का मोल फ्रैक्शन आ गया है, अगर आपसे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने को भी बोलते तो आप 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते थे, यानी आप 1 में से 0.0263 को माइनस कर दोगे आप तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकल करके आ जाएगा। तो नोट कर लो फटाफट, कम ऑन। तो इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं। जो कि क्या है हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कह सकते हैं इसको हम, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ, आपको बोल रहा है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व
इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप देखिए मास परसेंटेज निकालनी है हमारे को बेंजीन की, तो इसके लिए हमारे पास में क्या तरीका होगा हमारा, यानी एक्स ऑफ बेंजीन की परसेंटेज बतानी है हमारे को, मास परसेंटेज। तो ये हो जाएगा डब्लू ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, डब्लू ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस डब्लू ऑफ CCl4। परसेंटेज बतानी है तो इनटू में 100, तो यही होता है जिसके लिए निकालनी होती है मास परसेंटेज, उसका मास अपॉन में टोटल मास सॉल्यूशन का इनटू में 100। तो W की वैल्यू दे रखी है 22, बेंजीन के लिए 22, CCl4 के लिए कितनी दे रखी थी 122 इनटू में 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 144 हो रहा है इनटू 100। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लेना इसका, 15.28 आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो 15.28। जब एक की परसेंटेज आ जाती है दूसरी की भी निकाल सकते हो आप। अगर आपको बोलते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4 बताइए, तो टोटल परसेंटेज सॉल्यूशन की कितनी होती है, 100 होती है, 100 में से माइनस कर दो मास परसेंटेज ऑफ व्हाट, बेंजीन, 15.28 आ रही है वैल्यू जिसकी की। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 84.72% हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी। तो आप देख लीजिए, वहाँ बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ भी इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस भी सब्सटेंस का मास परसेंटेज हमारे को बतानी है तो उसका मास अपॉन में टोटल मास इनटू 100। एक की परसेंटेज हमें पता चल जाए तो दूसरे की हम 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया भाई आप मास परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखिए, तो इसी के साथ ही हमारे 11 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसमें आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या बोल रहे हैं भाई, 30% बाय मास इन CCl4। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं जी आपको, आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, बेंजीन के लिए, जिसे हम CCl4 में डाल रहे हैं, और बेंजीन का की परसेंटेज कितनी बता रहा है आपको, 30% बाय मास बोल रहा है, यानी टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन मान लेंगे यहाँ पर भी हम, उस हिसाब से बेंजीन कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 ग्राम हो जाएगा इसका मतलब। तो अगर मुझे निकालना है क्या जी मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो जिसके लिए निकालने होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसके लिए निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें ये चीज़ आप थोड़ा सा मेंशन कर देना, लेट अस सपोज हम क्या बोल रहे हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू में 100 ग्राम। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको क्लियर हो जाएगा, आप नोट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब n क्या होता है भाई, n हमारा होता है w अपॉन m, तो 30% मतलब 30 ग्राम है, तो 30 अपॉन m मॉलिकुलर मास, और मॉलिकुलर मास बेंजीन का क्या हो जाएगा बोलेंगे तो C6H6 फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, तो कार्बन का 12 होता है इनटू 6 कर दिया प्लस 6 हो गया,
तो टोटल मिलाकर के यानी कि 78 आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो आप इस तरीके से देख रहे हो, आप भी 78 ग्राम पर मोल यानी कि 78 हो गया इसका मोलर मास बेंजीन का। तो W अपॉन M कर दिया आपने, यहाँ पर भी सेम W अपॉन M करेंगे तो 30 अपॉन में क्या हो गया 78। अब यहाँ पर बात करेंगे तो 100 टोटल था हमारा सॉल्यूशन, उसमें से 30 सॉल्यूट था तो 70 बच रहा था हमारा सॉल्वेंट, तो 70 अपॉन में। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देख लीजिए CCl4 है हमारे पास, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 हो गया, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू में 4 कर दिया आपने, टोटल वैल्यू को ऐड करोगे आप तो 154 आ रही है यानी कि ग्राम पर मोल। तो आप जब W अपॉन M कर रहे हैं तो मोलर मास कितना हो गया इसका 154। तो आप देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन रहा है हमारा बेंजीन के लिए। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना आप तो कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ रही है 0.458। एक के लिए निकाल लोगे, दूसरे के लिए निकालना है, मान लो x ऑफ CCl4 निकालना है तो 1 माइनस करके भी निकाल सकते हो आप x ऑफ बेंजीन, ठीक है जी। तो आपको पता है 1 माइनस कर दो 0.458, तो ये वैल्यू हो जाती है 0.542। तो आप इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आप किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो। पता ही आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा सभी को, जिसके लिए निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर हमने 12 कर लिया, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन निकालने की बात आपको समझाई है। अब नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हमारे पास में अगला जो न्यूमेरिकल आप करने जा रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ये है तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे रखा है हमारे को, ठीक है जी, हाइड्रेटेड फॉर्म है इसकी है, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और बी पार्ट में बोल रहा है आपको 30 ml है ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ये है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमारे को जब 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट को 4.3 लीटर सॉल्यूशन में वॉल्यूम में डाल रहे हैं तो मोलैरिटी बतानी थी फर्स्ट पार्ट में। तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो मोलैरिटी बतानी है हमारे को, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है क्या होता है जी, W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके हिसाब से देखें तो W2 कितना हो गया, W2 30 ग्राम बोल रहा है, ये देखिए इनटू में 1000, M2 यानी कि मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से M2 बना लेंगे हम कैसे, CO क्या था NO3 के ट्वाइस था इनटू में 6H2O। अब देखिए यहाँ पर आपको इसी का मॉलिकुलर मास निकालना है, तो कोबाल्ट का कितना होता है 58.7 होता है इसका जो मास है, प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है इनटू 3 कर देंगे आप, एंड NO3 के ट्वाइस है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए अब आप, प्लस 6 वाटर का कितना होता है 18, टोटल करेंगे तो आप 290.7 आ रही है वैल्यू ग्राम पर मोल।
तो एम टू की जगह क्या रख देंगे आप, 290.7 वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। चाहे थे तो लीटर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे ये 1000 हट जाता बस केवल। अब आपका 4.3 लीटर है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 4.3 इंटू में 1000 कर दिया मैंने। आप डायरेक्ट लीटर वाला भी लगा सकते थे आप, इसमें डायरेक्ट वैल्यू 4.3 लीटर पुटअप हो जाती। फिर भी अब आपने जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, मोलैरिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.022 आ रहा है, 0.022 मोलर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.022 मोलर। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप आसानी से सिंपल वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल दे रखा है, वैल्यू पुटअप करनी है आपने बस केवल फॉर्मूले के अंदर, तो आपका हो जाना था ये न्यूमेरिकल। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ जिसमें 30 ml है इनिशियल वॉल्यूम सॉल्यूशन का, जब मोलैरिटी कितनी दे रखी है इनिशियल 0.5 मोलर दे रखी है, आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो डायलूट करके, यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है 500 ml। अब बोल रहा है जब वॉल्यूम 500 ml हो जाता है तो अब मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी। तो मैंने एक मोलैरिटी इक्वेशन बताई थी आपको, ध्यान हो तो फॉर्मूले जब बताए थे मैंने आपको, तो M1V1 इक्वल टू में M2V2 का केस लिया था हमने। अब आप देखो इनिशियल मोलैरिटी 0.5 दे रहा है आपको, इनिशियल वॉल्यूम आपको 30 बोल रहा है, फाइनल मोलैरिटी आपको निकालने को बोल रहा है, और 500 आपका जो ml है वो आपका फाइनल वॉल्यूम बोल रहा है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मोलैरिटी इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो रहा है हमारा ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो M2 इक्वल टू में हमारा क्या बन जाएगा भाई, 0.5 है इंटू में 30 है, ठीक है जी, अपॉन में 500 है, तो ये 0.03 मोलर ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी, 0.03 मोलर। तो नोट कर लीजिए फटाफट कम होने से। तो इसी के साथ ही 13 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करी है न्यूमेरिकल्स की। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, देखिए ए सैंपल ऑफ आपको बोल रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी, सेवरली कंटेमिनेटेड बोल रहे हैं विद क्लोरोफॉर्म, विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, सपोज्ड टू बी कार्सिनोजिन, the level of contamination was 15 ppm, ब्रैकेट में बोल रहा है बाय मास, ठीक है जी। उसमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड परसेंटेज बाय मास, और सेकंड बोल रहा है आपको परसेंटेज बाय मास, सेकंड बोल रहा है आपको मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। तो इस न्यूमेरिकल के भी आपके पास में टू पार्ट्स हैं,
तो ये मास परसेंटेज एक तो बतानी है आपको, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म की जो क्वांटिटी बता रहा है वो 15 ppm बाय मास बता रहा है, तो वहाँ पर आपको मास परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए अब आप मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब आप यहाँ पर ppm का मतलब क्या है, 15 इन मिलियंथ पार्ट हो गया हमारा, तो अब आप मास परसेंटेज की बात करने वाले हैं यहाँ पर, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म की। तो इसका तरीका क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू कितनी बता रहा है, जिस सब्सटेंस की मास परसेंटेज निकालनी है 15 ppm, किसका ये मिलियंथ का पार्ट है, परसेंटेज की बात करनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इनटू में 100, बहुत सिंपल है देख लो, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसका मास अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मास परसेंटेज की बात आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका 15 × 10⁻⁴ आ रहा है भाई, इतनी परसेंटेज बन रही है हमारी, हो जाएगा सॉल्व, बहुत सिंपल ही है देख लो आप। अब जहाँ तक इसकी मोलैलिटी की बात करनी है, मोलैलिटी की बात करनी है तो मोलैलिटी भी देख लेते हैं इसकी हम, आपका मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, W2 × 1000 अपॉन M2 × W1, ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी निकालने का। अब यहाँ के हिसाब से देखो तो W2 कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्वेंट है सॉरी, कितनी है वैल्यू बोल रहा है क्लोरोफॉर्म की, 15 × 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, CHCl3, तो यहाँ से हम मॉलिकुलर मास बना लेंगे हम, 12 + 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 × 3 कर देना आप, तो 119.5 आ जाती है वैल्यू अगर आप इसको टोटल करेंगे तो, आप तो आपका ये हो जाएगा 119.5। अब बात बचती है W1 की, तो टोटल सॉल्यूशन कितने का है हमारा, 10⁶ का है भाई, ठीक है ना बेटा, टोटल सॉल्यूशन कितना दे रखा है 10⁶, अब उसमें सॉल्यूट कितना है 15 है, यानी अगर मैं W1 की बात करूँ तो टोटल सॉल्यूशन में से आपको क्या करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा, और आपको पता है कहाँ तो 10⁶ और कहाँ तो ये 15 बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसलिए इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो आप, तो W1 की जगह पे क्या पुटअप कर देंगे आप, इसका मतलब 10⁶ रख सकते हो आप अगर हम W1 की बात करते हैं, तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लेना आप, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा 1.25 × 10⁻⁴ मोलर। तो नोट कर लीजिए आप सभी, तो इसी के साथ ही हमारी ये मोलैलिटी हो जाएगी जो आपने क्लोरोफॉर्म के केस में निकाली, नोट डाउन। तो इसी के साथ ही आपके 14 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, 14 न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी अब आपकी इन न्यूमेरिकल्स को करने से। अब आप देखिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ आपके लिए, ये थोड़ा सा देखने में वैसे लेंथी है, बाकी इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा देखने में ही आपको लेंथी लगेगा, ये आपको बोल रहा है देखिए, न्यूमेरिकल नंबर हमारा कौन सा है, 15th है, हाउ मैनी एम एल ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, ठीक है जी, कंप्लीटली विद वन ग्राम मिक्सर ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है एंड NaHCO3
कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द टू। तो ये हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहले तो आप देखिए, वाह, आपको बताना क्या है कि भाई कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 के साथ में रिएक्ट करने के लिए। जिनके लिए आपको कंडीशन क्या बता रहा है कि वो कैसे हैं हमारे पास में, इक्विमोलर हैं। क्या है हमारे पास में, इक्विमोलर हैं। अब आप देखिए इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। अब यहां पर आपको जो केस गिवन है, अब आप देखिए, लेट अस सपोज, मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं यहां पर इक्विमोलर तो बोल ही रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर ही होंगे। तो लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप कह सकते हैं Na2CO3 एंड NaHCO3 इक्वल टू में A। हमने मान लिया कि भाई दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Na2CO3 एंड NaHCO3 के, वो क्या हमारा A के बराबर हैं। अब आप देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मास ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, मास ऑफ Na2CO3, तो N इक्वल टू क्या होता है, आप बोलिए N इक्वल टू क्या होता है अभी, W अपॉन M। तो W क्या हो जाएगा, N इंटू में M, तो N क्या है, A है। अब इसका मॉलिकुलर मास, Na2CO3 का मॉलिकुलर मास यहाँ से बना लेंगे आप, Na2CO3 का, तो ये हो जाएगा आपका 23 इंटू में 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो टोटल करेंगे तो आप 106 आ जाएगा ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा जी, 106 ग्राम पर मोल, तो यानी ये हो जाएगा 106। तो यानी आप कह सकते हो 106 ए हो गया आपका मास ऑफ Na2CO3। ऐसी मैं आपसे बात करूंगा अब मास ऑफ NaHCO3 की, मास ऑफ NaHCO3, तो इसके भी मोल ए ही थे। अब इसका जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, देखिए बाप, NaHCO3, Na का कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कर दिया आपने, तो ये आप टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 84 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा 84 इंटू ए, तो आपका ये हो जाएगा 84 ए। ठीक है जी, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। अब आप देख रहे हो भाई अलग अलग मासेस का पता चल गया भाई कि ए का मतलब Na2CO3 का मास कितना हो रहा है 106 ए, एन और NaSCO3 का मास कितना हो रहा है 84 ए। तो टोटल मास ऑफ, अगर मैं बोलूं कि मिक्सर क्या होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करो आप, 106 ए प्लस 84 ए, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 190 ए। ठीक है जी, 190 ए ये हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 190 ए किसके बराबर है बोलेंगे तो 1 के बराबर है। आप देख लो ना भाई, आपके पास में क्वेश्चन में देखो आप, 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सर, यानी ये मिक्सर की टोटल क्वांटिटी कितने के बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। तो यानी कि टोटल मिक्सर जो आपका 190 इंटू में ए है वो किसके इक्विवेलेंट है, डेट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/190। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे 0.00526 मोल्स आ जाएगा।
हमारे को मोल्स क्लियर हो चुके हैं इसके कि मोल क्या हो गया भाई, दोनों के मोल्स क्या होंगे, इक्वी मोलर रही है, बराबर ही होंगे, जो वैल्यू आपकी Na2CO3 के लिए होगी मोल्स की, वही वैल्यू हमारी क्या होगी NaHCO3 के लिए भी सेम वैल्यू होगी। और वो वैल्यू है कितनी, 0.00526 मोल्स है हमारी। अब आप देखिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी सभी को, ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, थोड़ा सा लेंथी लगता है स्टूडेंट्स को ये वाला न्यूमेरिकल। अब आपको बदल गया भाई, ये मोल्स हैं हमारे। अब देखिए, अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी जी, Na2CO3 की और NaHCO3 की HCl के साथ, तो क्या होता है उस रिएक्शन में, देखिए Na2CO3 HCl के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब आप देखिए बैलेंस कर लीजिए, Na और Cl मिल करके क्या निकल जाएगा यहाँ पे, NaCl प्लस, अब Cl देखिए Na2 है तो आपको बैलेंस करेंगे तो 2Cl की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 2HCl, 2 हाइड्रोजन एटम CO3 के एक ऑक्सीजन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा CO2 मॉलिक्यूल, ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, अगर हम Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं, एज इज सेम आप NaHCO3 की भी करा दो आप HCl के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, Na और Cl, ये NaCl हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये हो गया जी CO2, यानी ये रिएक्शन आ रही है, ठीक है जी। अब इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है हमारे को, रिएक्शन का क्या यूज है यहाँ पे, देखिए रिएक्शन कराने का क्या मेन मोटिव था मेरा यहाँ पे, तो आप देखिए 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स HCl टू रिएक्ट, कितने मोल्स की जरूरत पड़ रही है, 1 मोल Na2CO3 को अगर रिएक्ट करना है HCl के साथ में, तो कितने HCl के मोल रिक्वायर्ड है बोलो भाई, 2 मोल्स, 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स HCl टू रिएक्ट इक्वल टू में 2 मोल्स। अब हमारे पास मोल्स कितने हैं बोलिए, मोल्स कितने हैं भाई, 0.00526 मोल्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना, जिसके लिए हमें बात करनी है, तो 0.00526 मोल्स ऑफ, ठीक है जी, Na2CO3 रिक्वायर्स HCl, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 2 × 0.00526 मोल्स, ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी आपको, कि भाई अगर हमारे पास Na2CO3 है, वो हमारा 0.00526 मोल्स है, तो उसको कितना HCl चाहिए होगा उस कंडीशन में। ऐसे सेम आगे बात करते हैं NaHCO3 के लिए, 1 मोल ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्स HCl टू रिएक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए, तो 1 मोल ही हो गया हमारे पास। अगर 0.00526 मोल्स ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्स HCl, तो वो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू, वो तो वही की वही रहनी है, आपको पता ही है मोल्स। अब आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे, कि Na2CO3 के लिए अगर बोले कि भाई कितना HCl रिक्वायर्ड है, तो 2 × 0.00526 मोल्स, और अगर हमारे पास में NaHCO3 के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 0.00526 मोल्स, तो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना, क्या हो जाएगा हमारा टोटल HCl मोल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगे, देखिए टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द मिक्सर
अगर बोले कि मिक्सर के साथ में अब टोटल HCl की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, तो क्या बोलेंगे, 2 × 0.00526 प्लस 0.00526। तो आप यहाँ से इनको आप प्लस कर लेना आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.01578 मोल्स, ये हो रही है हमारी वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो इतने मोल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है पूरे मिक्सर के साथ में रिएक्ट करने के लिए। अब हमें तो वॉल्यूम बताना है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था, 0.1 मोलर है उसके लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड बताना था आपको, भाई सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलैरिटी इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें ml में बात करनी थी, तो आपका इसलिए 1000 ऊपर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम इन, आप क्या बोलेंगे भाई, ml। तो हमें तो वॉल्यूम बताना है, तो आप देख लीजिए, अब आप मोलैरिटी कितनी दे रखी थी यहाँ पर, 0.1, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, 0.01578 इंटू में 1000, और वॉल्यूम निकालना था मुझे वॉल्यूम इन ml, तो क्या दिक्कत है, तो वॉल्यूम इन ml जो हो जाएगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, अब आपका 0.01578 इंटू में 1000 डिवाइडिंग बाय में 1.1। तो आप इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप, तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनल आंसर जो आपका निकल रहा होगा 157.8 ml निकल करके आएगा, 157.8 ml वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। आप देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, बट कैलकुलेशन वगैरह आप देखते हो कि भाई थोड़ा सा समझ लोगे आप, तो फिर कोई फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें भी, बस देखने में ही थोड़ा सा लेंथी है, बाकी करने में तो आपको पता चल गया होगा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप इसको अटेम्प्ट करने में, तो नोट कर लेंगे आप सभी। अब इसके बाद छोटी सी बात थोड़ा सा और मैं कर लेता हूँ आपसे, नॉर्मेलिटी को लेकर के और कर लेता हूँ हल्की सी बात। NCERTs के अंदर नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नज़र नहीं आएगा आपको, बट फिर भी ये कि फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो उसमें किस तरीके से आप नॉर्मेलिटी की बात करते हो पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में एक छोटा सा ही फ़र्क होता है बस, केवल वहाँ पे हम मोलैरिटी में मोलर मास लेते थे सॉल्यूट का, और यहाँ पर हम क्या लेते थे, इक्विवेलेंट मास लेते थे। तो थोड़ी सी बात मैं इक्विवेलेंट मास को लेकर के कर लेता हूँ, जिससे कभी भी अगर नॉर्मेलिटी का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको आप। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है भाई, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू में डब्लू टू यानी सॉल्यूट का मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है। अब सारी प्रॉब्लम बस केवल इक्विवेलेंट मास को लेकर ही है, तो अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं ऑफ एन एसिड, भाई किसी एसिड का मान लीजिए इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास तो आप पता ही है कैसे निकालते हो आप, इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो भी एसिड दे रखा है आप उसके मोलर मास को ले लेना। ठीक है जी, मोलर मास को ले लेना अपॉन में बेसिसिटी, बेसिसिटी से मतलब है एज पॉजिटिव डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी, भाई कितने एज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है उस एसिड की। अब आप देखिए, जैसे एग्जांपल में आप H2SO4 को तो नॉर्मली आप यूज़ करते ही हो आप, अगर H2SO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको अगर आप एज पॉजिटिव डिस्प्लेस्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देख रहे हो भाई 2H पॉजिटिव यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं आपको, 2H पॉजिटिव एन मिल रहे हैं। तो आप इसको अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालने की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बोलोगे आप, तो मोलर मास H2SO4 का कितना होता है, आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है 98, इसको आप H पॉजिटिव एन कितने डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं 2,
तो बेसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो डिवाइड कर दोगे तो 49 आ जाएगा। तो 49 क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास हो गया आपने एसिड का निकाला। तो इस तरीके से मान लो HNO3 है आपका, तो H पॉजिटिव आयन वहाँ पे सिंगल हो जाएगा, तो आपका 1 से डिवाइड होकर के वैल्यू मोलर मास और इक्विवेलेंट मास की क्या होगी, वहाँ पे बराबर ही होगी। तो आप देख सकते हो, आप किसी भी एसिड का आपको निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। बाकी अगर मान लीजिए किसी बेस का निकालना है, इक्विवेलेंट मास हमने क्या करना है, किसी बेस का निकालना है, आपको कोई बेस दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालने को बोलते हैं। अगर आपको बोलते हैं कोई बेस दिया हुआ है, तो बेस के लिए क्या करेंगे, सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे, मोलर मास, एक तो मोलर मास और एसिडिटी की वैल्यू। यहां पर इससे मतलब क्या है, OH नेगेटिव डिस्प्लेस्ड है, OH नेगेटिव डिस्प्लेस्ड। अब सबसे एग्जांपल, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, आपको पता ही है, जैसे इसी की बात कर लेते हैं हम। तो इस केस में क्या है हमारे पास, देखिए अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। तो कितने OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, सिंगल ही मिल रहा है, मोलर मास इसका 40 होता है, तो इस हिसाब से आपका इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे भाई, आपका 40/1, वो तो 40 रहना है, कहने का मतलब है OH नेगेटिव डिस्प्लेस क्या है यहाँ पे, सिंगल ही तो है हमारा। तो आप कह सकते हो, आप बाकी किसी और भी बेस का निकाल सकते हो आप, जस्ट मैं सेंट्रल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि भाई किस तरीके से आप इनके इक्विवेलेंट मासेस की बात करते हो आप। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट का निकाल रहे हो आप, भाई कोई एलिमेंट दिया हुआ है मान लीजिए हमारे पास में, कोई एलिमेंट आपके पास में गिवन है, एलिमेंट, तो एलिमेंट का कैसे निकालेंगे अब आप, किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो आप देखो उसका एटॉमिक मास ले लेंगे आप, उसका एटॉमिक मास ले लेंगे आप, और एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ही है, 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 27 एटॉमिक मास। अब अगर हम एल्युमिनियम की वैलेंसी निकालें, तो 13 इलेक्ट्रॉन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर, तो 28 और 3 हो गया, तो इसकी वैलेंसी आपको पता है कितनी है, 3 है। तो अगर यहाँ पर अब इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, 27/3 कर दोगे तो 9 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसके एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब मान लीजिए इक्विवेलेंट मास किसी सॉल्ट का निकालना है मान लीजिए, तो इस कंडीशन में क्या करते हो आप, उसका मोलर मास ले लेते हो आप, जो भी मोलर मास है, और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो आप, टोटल पॉजिटिव, ठीक है जी, जो चार्ज है ऑन मेटल एटम, मेटल एटम पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जैसे अब आप NaCl ही बात करते हो तो कैसे टूट जाएगा, ये बोलेंगे डिकम्प आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, 1 ही तो होगा यहाँ पे। तो आपका NaCl की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 58.5 हो गया हमारा, इसका क्या होता है मोलर मास अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 58.5 वैल्यू हो जाएगी, क्या जी हमारी, किसकी, ग्राम सॉरी पर इक्विवेलेंट, ठीक है जी, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो आप किसी भी सॉल्ट का आपको निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज जो भी मेटल एटम का होगा आप वो फॉलो कर सकते हो आप। अब अगर मान लीजिए आपको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास निकालना है आपको, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, उसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालने की ज़रूरत है।
तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसका जो भी एटॉमिक मास है या जो भी मोलर मास है, अब आप देखिए, अब आप उसको डिवाइड कर सकते हो आप किससे। अगर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड वाली बात आ जाएगी। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट वाली बात आ जाएगी। यानी एन फैक्टर से आपको डिवाइड करना है जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना रिएक्शन के अंदर, ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन जा रहे हो चाहे वो आ रहे हो, यानी इलेक्ट्रॉन गेन का केस हो या इलेक्ट्रॉन लॉस का केस हो, तो उस एन फैक्टर से आपने डिवाइड कर देना है। तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा हमारा किसका जी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, किसी का भी आप निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है जी। अब जैसे कोई एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये MnO4 नेगेटिव आयन है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है Mn2+ में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x मान करके तो +7 आ रहा है, वहाँ +5 है, 5 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसको 5 इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन हमारे 4 हैं तो इसके हिसाब से 4 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं, तो ये हो गया 8H+ आयन। ये एसिडिक मीडियम में मैंने आपको ये रिएक्शन करके दिखाई हुई है, यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, आप देख रहे हो MnO4 नेगेटिव आयन की, तो एन फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे बोलेंगे तो ये हमारा 5 है, एन फैक्टर क्या हमारा 5 है, और KMnO4 का मोलर मास कितना होता है 158। यानी अगर इसका आपको बोला जाए कि भाई इक्विवेलेंट मास बताइए तो क्या कर दोगे आप, 158 को 5 से डिवाइड कर दोगे बस केवल आप, ठीक है जी, 158 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा। ये मैंने आपको किस केस में बात करी आपसे, बोलूँगा कि एसिडिक मीडियम, ठीक है जी, एसिडिक मीडियम, तो ये आपका इस तरीके से एसिडिक मीडियम की बात हो जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि भाई आपका बेसिक मीडियम में यही चीज़ लेनी है आपने, ये रिएक्शन हम बेसिक मीडियम के लिए बात करता हूँ अगर मैं आपसे, तो वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव आयन MnO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका MnO4 नेगेटिव आयन है MnO4 2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका निकालेंगे तो यहाँ तो +7 आ रहा है, अब MnO4 का 2 नेगेटिव आयन का निकालेंगे तो यहाँ पे +6 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यानी इसका अगर इक्विवेलेंट मास हमारे को निकालना है, अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करोगे, 158/1 करेंगे, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो भाई 1 है, तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है आपको कि भाई अगर बेसिक मीडियम के लिए बात कर रहे हो तो एन फैक्टर वहाँ पे चेंज हो रहा है यानी 1 आ रहा है, और एसिडिक मीडियम में बात कर रहे थे तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 5 आ रही थी, तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट मास भी देख रहे हो आपका वेरी कर रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यही हमारा जो सेम केस है, अगर मैं बोलता हूँ कि वीकली बेसिक मीडियम की बात करनी है और न्यूट्रल मीडियम की बात करनी है, इसकी बात करनी है न्यूट्रल मीडियम की बात करनी है, तो यहाँ पर जो आपका जो MnO4 नेगेटिव आयन है वो आपका किसमें चेंज होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। अगर रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, वीकली बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में, अब आप देखिए यहाँ पर तो आपको पता है +7 ही निकल रहा है, यहाँ देखेंगे तो +4 यानी +4 आ रही है वैल्यू, अब डिफरेंस कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे ये क्या हमारा 3 है। अब आप देखिए
अगर मुझे इस केस में अगर बोलता हूं कि भाई मुझे इक्विवेलेंट मास बताओ अब क्या होगा, तो इक्विवेलेंट मास तो आपको पता है मॉलिकुलर मास के MnO4 का 158 होता है, तो बाय 3 कर देंगे आप, तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। बाकी मोलैरिटी वाला फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो उसमें केवल आपको मोलर मास की जगह चेंज क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट मास का चेंज आ रहा है, तो आप इक्विवेलेंट मास की वैल्यूज आप इस तरीके से आप वहाँ पे आप ले करके आप वहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो आपका न्यूमेरिकल वहाँ पे नॉर्मेलिटी का भी सॉल्व हो जाएगा जैसे आप मोलैरिटी का आपने सॉल्व किया। तो नोट कर लीजिए सभी। तो आई थिंक सो ये जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी आपसे, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे मैंने आपको कराए, उसके बेस पर ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो मास फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज बाय मास, तो ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा टाइम टू टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना आप सभी, तो कोई भी प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आएगी। तो नोट कर लीजिए फिलहाल, कम ऑन।